मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में मंडल के अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व प्रभारी अधिकारी, धान खरीद संभागीय खाद विपणन अधिकारी, संयुक्त निदेशक कृषि, क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय खाद निगम एवं विभिन्न एजेंसियों की बैठक विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण कराया जाए तथा किसानों को पंजीकरण कराने हेतु जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जाए तथा समय से उनका सत्यापन भी सुनिश्चित कराया जाए। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि किसी भी दशा में पिछले वर्ष से कम क्रय केंद्र न खोले जाएं तथा क्रय केंद्रों पर पर्याप्त स्टाफ की तैनाती भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी क्रय केंद्रों पर किसानों को आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य रूप से मुहैया की जाए और हर हाल में 1 नवंबर से खरीद प्रारंभ कर दी जाए। मंडलायुक्त ने RFC को निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों पर धान में नमी एवं अन्य समस्याएं आने पर उन्हें समझाते हुए खरीद की जाए तथा मिलों के संबद्धीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने FCI के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सक्रिय होकर कार्य करें और अधिक से अधिक धान खरीद में सहयोग करें। उन्होंने नए बोरों की उपलब्धता, केंद्रवार धान लक्ष्य का आवंटन, धनराशि की व्यवस्था, काटा बाट माप का सत्यापन, काटा खराब होने की स्थिति में ठीक करने वाले मैकेनिक का नामांकन, धान क्रय के मिलर्स के देयकों का भुगतान एवं अवशेष भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, आपने बताया उसका जो सेकंड लेग है वो हम आरएससी साहब के साथ और डिस्कस करते हैं। आपकी जो हिंदी प्रॉब्लम है वो समझ में आई है। इससे एक बार अगर कहूँ ठीक है, एरियल साहब लोगों को कुछ कहना है, अवेयरनेस पर ध्यान दें, जिला प्रशासन को ये करना अच्छा ये आप भाई से पूछो, उनकी चल चल संपत्ति क्या देख लीजिए, तमाम लोग किराए की मील ले लेते हैं सर और उनसे आपसी की जानकारी हाँ, लेकिन उसका उल्टा भी नहीं होना चाहिए। किसी भी मानव के आप वो भी नहीं होना चाहिए कि आप पता चला राइस मिलर्स और FCI के पूरे सिस्टम के बहुत क्रिटिकल पार्ट है, लेकिन FCI आप आपकी दावी RFC साफ कर रहे हैं जिसकी बात मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी। तो एक्टिव रहिए, आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, इतने अच्छे मिलर हैं हमारे पास, इतनी संख्या है, योजना है, उसमें अगर हम बेहतर कर सकते हैं जिनको लगा है कि मैंने बहुत मिलर से बात की। सो बेसिकली आज हम लोगों ने संबंधित पक्षों के साथ धान के क्रय की बैठक की है और हमने सभी पक्षों को इसमें सुना गया है और देखा गया है कि किसानों के रजिस्ट्रेशन से लेके मिलिंग जो होगी धान की और उससे जो चावल बनेगा और वो जो राइस जो है FCI प्रोक्योर करेगा, वो सारे स्टेजेस को देखा गया है और प्रयास किया जाएगा कि जो भी अवधि में हमें धान का क्रय किया जाना है वो समय से हो और उस किसानों का जो पेमेंट है वो सही क्वालिटी के हिसाब से उनको सही समय पर मिल जाए, उसमें कोई विलंब ना हो और सभी पक्षों को कोई भी समस्या ना हो। और आपके माध्यम से ये मैं आह्वान करना चाहूँगा इस मंडल के चारों जनपदों के कृषकों का कि वो भारी से भारी संख्या में आएँ और अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ और MSP का रेट जो है सरकार ने पिछले साल से बढ़ाया है और उसका लाभ उठाएँ और किसी भी प्रकार की यदि समस्या है तो हमारे अधिकारी फील्ड में मौजूद रहेंगे या मुझसे भी वो बात कर सकते हैं, लेकिन वो भारी से भारी संख्या में आके रजिस्ट्रेशन कराएं।